हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो आज का व्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है मिस्त्री भैया हैं फ्रिज सही करने वाले, जो कि फ्रिज सही कर रहे हैं इधर, क्योंकि फ्रिज हमारे आज ख़राब हो गया है, कल से ख़राब हो गया था। तो बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। सबसे पहले मैंने सुबह इनसे जगते ही ये कहा कि भाई पहले फ्रिज वाले भैया को बुलाओ, सही कराओ, तब कोई काम होगा। क्योंकि भाई देखो, दूध दही और ये सारी चीज़ें, गर्मियों में पानी, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बस भैया वो कर रहे थे और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में मैंने बनाई है तोरी की कढ़ी और ये है आलू शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। मैंने बस शायद आपके साथ शेयर तो की है, अगर नहीं तो मैं कभी कर दूँगी। इतनी अच्छी बनती है ना सब्ज़ी कि एक बार इस सब्ज़ी को खा लेंगे ना मेरी तरीके से बना के, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, तो सच बता रही हूँ बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। तो यहाँ पे बस आटा लगा रही हूँ और चावल बन चुके हैं, तो चलिए खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज मैंने आपको दिखाया था कि फ्रिज हो गया था ख़राब, और ये वाला जो फ्रिज है जो नीचे रखा था, ये वाला दिखाती हूँ आपको, ये वाला, ये आ गया है ऊपर। क्यों हुआ क्या कि जो छोटा वाला फ्रिज था ना, वो हो गया था ख़राब, परसों से ख़राब हो गया था। तो आज वो आया मिस्त्री, अब ख़राब हो गया। तो फिर ये लगे कि अब क्या भाई, गर्मियों में तो फ्रिज बिना कैसे हो। और ये फ्रिज पड़ा था नीचे बंद बिल्कुल, क्योंकि ये हो गया था सर्दियों में ख़राब, तो सर्दियों में ठीक कराया नहीं था कि क्या करेंगे, दो दो फ्रिज का सर्दी में इतना काम भी नहीं होता है। वो छोटा फ्रिज है तो अभी उसमें भी स्पेस नहीं रहता था, छोटा है, फैमिली बड़ी है, तो उस हिसाब से उस वाले में ये वाला दिखाती हूँ आपको। देखा तो है डेली जो भी, ये वाला जो छोटा वाला है इसमें नहीं आता था कोई सामान। और ये उधर ये भी ख़राब हो गया, तो फिर आज आए थे मिस्त्री सही करने वाले, तो फिर ये भी करा लिया और ये भी सही करा लिया। नीचे यूज है नहीं कुछ, क्योंकि खाना पीना किचन ऊपर ही है, तो फिर इसको भी आज ऊपर ही ले आए हैं। ये आया तो बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किलों से आया है, क्योंकि हमारा जो सीढ़ियाँ हैं ना छोटी हैं, तो ये ऐसे आ नहीं सकता था, बाहर से बालकनी में होके कैसे कैसे आया है ये। तो आ गया है फाइनल, और मैं इसको कर रही हूँ भी साफ़, बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि बंद पड़ा था बिल्कुल, ये एज अ अलमारी यूज़ कर रहे थे इसको मम्मी वगैरह से सामान रख दिया करती थी जो भी होता था नीचे। तो अभी मैंने इसको करना है साफ़, काफ़ी हद तक मैंने कर दिया है, बहुत गंदा हो रहा था, तो अभी इसको आज मैं सही हो गया है तो अच्छे से सेट करूँगी, अच्छे से साफ़ करके पहले। और ये एक तो डबल डोर है, दूसरा बड़ा भी है, तो इसमें स्पेस काफ़ी है, तो इसकी ज़रूरत थी अभी बहुत ज़्यादा। तो ये फ़िलहाल ऊपर दो फ्रिज हो गए हैं, छोटा बड़ा, और दो हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब्ज़ी इतनी लाते हैं ना ये, कि एक फ्रिज तो हमारे यहाँ सच बताऊँ सब्जियों के लिए चाहिए, इतनी सारी सब्ज़ी भरी होती है। मतलब किसी के यहाँ आते होंगे एक किलो दो किलो खीरे, जो भी बता रही हूँ मैं सच बताऊँ, इनके अगर लाते तो पाँच पाँच किलो खीरे आते हैं, तो वो इतने में कहाँ आ जाता। तो फिर ये है कि मैंने, हाँ बेटा अभी बंद है, अभी मैंने साफ़ करके फिर लगाना है इसको। तो वो बोल गए हैं कि अभी इसको ना क्या करना, तुम दो ढाई घंटे तक बिल्कुल मतलब लगा के छोड़ देना, कुछ नहीं रखना है इसमें, इसको कूल होने देना, ठंडा होने देना। तो चलिए सेट करती हूँ अभी इसको मैं अच्छे से, नहीं नवरत्न, अब इसको मैं अच्छे से सेट करूँगी, पहले इसको ठंडा होने देती हूँ और भगवान करे ठीक ही हो। वैसे तो ठीक था, चेक कर किया था, सही था, बट इसमें क्या हुआ ना, लेने में ना तो स्क्रैच आ गए हैं, तो मेरा जो नया बहुत प्यारा फ्रिज लगता है मेरे को, ये तो इसमें स्क्रैच आ गए थोड़े से, ये देखिए इसमें स्क्रैच, ये देखो, ये यहाँ, ये देख रहे हैं ये कितने स्क्रैच आ गए हैं। मुझे नहीं पता चला ये ला रहे, मैं खाना बना रही थी उस टाइम, तो ना मुझे नहीं पता था कि ये ला रहे हैं फ्रिज में, अपना खाने में लगी थी, पता होता तो मैं इसको अच्छे से पहले कवर कर देती, फिर मतलब वो ये कि ये वाला हिस्सा उधर रखती, बट ठीक है अब चलो जैसा भी है जो भी है, काम पड़ा है बहुत फैला, देख सकते हैं पूरा ये जो है सारे निकले पड़े हैं, उस वाले फ्रिज के भी निकले, क्योंकि वो भी खाली किया था मैंने, उसको तो मैंने साफ़ कर दिया है, साथ के साथ ही लगा दिया, क्योंकि इतना लग रहा था कि जल्दी से ये हो और पानी मिले पीने को, ठंडा पानी की ज़्यादा लगती है। तो अभी देखिए घर मेरा पूरा गंदा पड़ा है, ये देख सकते हैं आप, मतलब साफ़ सफाई हो गई थी लेकिन दोपहर में आए थे मिस्त्री, अभी ये फ्रिज तो साफ़ किया है ना, इसकी सारी गंदगी है। तो पहले मैं सोचा इसमें पानी डाल के, मैंने सर्फ़ डाल के इसको अच्छे से पहले धोया है, फिर अब इसको पोंछूंगी,
फिर बीच में मैंने खाना खाने बैठ गई थी, और अब खाना खा के अब मैं इसको साफ़ करूँगी अच्छे से पोंछ के, फिर फ्रिज को लगाऊंगी 2-2.5 घंटे तक कूलिंग करेगा, देखते हैं। फिर घर की धोना वोना जो है वो सब करूँगी। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से काम। तो चलिए लग जाते हैं काम पर। तो पहले मैं इसको सेट कर रही हूँ कि अच्छे से मैं मुझे बैठने की जगह हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एज अलमारी यूज़ हो रहा था, बंद पड़ा था काफ़ी दिन से, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो इसको मैंने पहले एक बार हालांकि कर दिया है, इसके पार्ट्स जो हैं वो भी मैंने, जैसे डलिया वगैरह थी और ये फ्रीज़र का जो सामान था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही। और उसके बाद मैंने फिर एक बार सर्फ़ का पानी डाल के इसको, जो मोटी मोटी जो पार्टिकल्स थे ना उसमें गंदगी थी, वो सारी मैंने साफ़ कर दी। अब मैं अंदर अच्छे से घिस के इसे ब्रश से वो साफ़ करूँगी, जो छोटी जो कॉर्नर वगैरह में गंदगी भर जाती है ना, वो सारी साफ़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने बस यहाँ पर साबुन ले लिया है, क्योंकि सर्फ़ के पानी से उतना हो नहीं रहा था। तो मैं अच्छे से पहले इसको धो के पूरा, मतलब आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, एकदम धो धा के फ्रिज को अच्छे से, क्योंकि फिर वही है, फिर इतना नहीं हो पाएगा, फिर तो ऐसे पोंछ दिया ये कर दिया। तो ब्रश ले लिया है मैंने, जो दांत मांजने वाला होता है वो, और जो बेकार था, और जो साइड की रबड़ वगैरह है ना इसमें काफ़ी गंदगी हो जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बंद पड़ा था, तो फिर उतना केयर भी नहीं होती है बंद पड़े की, फिर बस थोड़ा मोड़ा देख लिया, ऊपर ऊपर से कर दिया छुट्टी, ये था। तो बस अभी मैंने अच्छे से इसको साफ़ करना है, और आप देख सकते हैं मैंने साबुन लिया है, जूना ले लिया है अच्छा सा, मतलब ज़्यादा वैसा नहीं लिया जो उसमें स्क्रैच आ जाए, सॉफ्ट वाला ले लिया है, फोम वाला। तो काफ़ी, देखिए ये फ्रिज ना काफ़ी पुराना है, इतना समझ लीजिए इसको हो गए 8-10 साल हो गए इस फ्रिज को, और यूज़ बहुत कम हुआ है ये। गर्मियों में यूज़ करते हैं, बाकी इसको बंद कर दिया जाता था, क्योंकि फिर दो दो फ्रिज का ये लगता था, बिजली का बिल भी भाई काफ़ी आएगा। ये कृष्णा के जो वो आता ना कुआ पूजन, ये तब घर से आया था, तो वही है। और अभी इसका यूज़ सच में होना है, क्योंकि अभी वो फ्रिज काम नहीं कर रहा है। दूसरा भाई फैमिली के हिसाब से छोटा भी पड़ रहा था, तो बस यहाँ पे मैंने इसके जो सारी चीज़ों को ना अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब मैं इसको सूखे कपड़े से एक बार पोंछ रही हूँ, कॉटन के कपड़े से, और काफ़ी चमक गया है, आप देख सकते हैं फ्रिज एकदम लग रहा है तो न्यू बिल्कुल, इसका यूज़ ही नहीं हुआ बताया जैसे मैंने आपको, तो बहुत अच्छे से चमक गया। और एक चीज़ और हुई थी इस फ्रिज के साथ में, मतलब इस फ्रिज के साथ में इतने खेल हुए थे ना, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि यूज़ होता नहीं था, तो इसका वो भी था कि ये ख़राब है ख़राब है। तो देखिए मैंने यहाँ फ्रिज को फ़िलहाल यहाँ पे लगा दिया है, अभी सेट कहाँ होगा बाद में देखी जाएगी। अब इसको मैंने लगा दिया है, कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए ठंडा होता रहेगा। अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि टाइम हो रहा है कितना, 3 बज गए, और थोड़ी देर लेटूंगी यहाँ, फिर करूँगी, क्योंकि अभी चक्कर आ रहा है मुझे बहुत देर। तो फ्रिज शुरू हो गया है, चालू हो गया है, ये देखिए, ये भी कुछ रखा नहीं है मैंने, बाद में ही रखूँगी, वो मना करके गए हैं कि अभी कुछ रखना मत इसमें 2-2.5 घंटे के लिए, ये ठंडा हो रहा है, मैंने लगा दिया, खोलना नहीं बार बार, ठीक है, बुखार सा, इसको तो बस पूछो मत। तो चलो इसको खोलना मत, ठीक है बेटो, चलो लेट लेट लो थोड़ी देर, ठीक है। तो बस चलिए अभी मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद, लगभग 4-4:30 बजे मैं काम शुरू करूँगी अपना, बाकी किचन विचन तो मेरी हो गई। ये देखिए यहाँ किचन विचन का काम तो मेरा सारा हो गया है, ये देखिए सब जो है पोछा वोछा लग गया है। यहाँ पर ये जो कढ़ाई रखी है इसमें रखा है घी, और बस कपड़े वगैरह भी सब सुबह धो दिए थे मैंने, बस अब मैं सीधा लेट के फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो बस उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ था ना कि फ़ोन जो था वो कृष्णा के पास था, कृष्णा पढ़ रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया उससे, वही चीज़ है अब कि इसी वजह से अभी ना व्लॉग भी मेरे कम ही आ रहे हैं, क्योंकि कृष्णा पे रहता है ज़्यादातर, ये अपना ले जाते हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम काटा था तरबूज, फ्रिज में रख दिया था, बहुत अच्छे से चिल्ड हो गया था, तो आप भी आ जाइए तरबूज खा लीजिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है मदर्स डे, तो सभी माँ को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और क्या, तो यहाँ अभी चल रही है खाने पीने की तैयारी जोरों शोरों से, ये देखिए खरबूजे कटा रखा है, अभी पहला सीजन का आया है, अभी भोग लगेगा इसका। और ये करेले की तैयारी चल रही है, ये मैं बनाऊँगी शाम के टाइम, तो अभी मैं करके तैयार रखूँगी इनको। खीरे छीरे रखे, कितने सारे छीरे रखे, खीरे, गाजर सैलेड, और ये मैं बना रही हूँ नींबू पानी, अभी बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ।
यहाँ इतनी सारी प्याज करेलों के लिए है, और क्या, और ये सारी सब्जी वगैरह लाए हैं, ये भी सेट करके रखूँगी। टमाटर हैं, ये खीरे हैं, ये देखो इतने सारे छील दिए हैं खीरे, ये भी सब्जी रखी है सारी, इसको मुझे करके रखना है फ्रिज में। और ये क्या क्या है, खीरे, ये खीरे इतने, ये भगवान, ये भिंडी, बाप रे। चलो कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने नींबू पानी बना के सबको देती हूँ, पहले भोग लगेगा। बस मेरी वजह से बन रहा है, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले 3 नींबू ले आया। तो इसकी इंस्टाग्राम पे इसने रील डाली है, उसके कह रहा है देख लेना, नहीं देखने में तो ये अभी भोग लगेगा इन दोनों का। मैंने कहा नींबू पानी भी चटपटा बना दूँ, ठाकुर जी ने ना रही है मम्मी तो भोग लग जाएगा। फिर उसके बाद जो है खाना बनेगा, तो खाने में आज मैं बनाऊँगी राजमा चावल, सिंपल सा होगा लंच आज गर्मियों वाला, मतलब समर स्पेशल लंच समझ लीजिए आज, लंच भी और ब्रेकफास्ट भी सभी समर स्पेशल होना है ये। अभी नाश्ता करेंगे सब लोग, नींबू पानी खरबूजा वगैरह ये, और दोपहर में बना दूंगी राजमा चावल, शाम के टाइम बनाऊंगी करेले। तो आज पूरा दिन जो है मेरा समर स्पेशल चल रहा है, लंच भी ब्रेकफास्ट भी डिनर भी, सब कुछ समर स्पेशल होगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी आपके साथ। तो यहाँ पे ये है खरबूज और ये है नींबू पानी, बन गया है और मैं अभी भेज रही हूँ उसको भोग के लिए। तो ठाकुर जी का भोग लगेगा पहले, तो सीजन का वैसे भी देखिए जो भी चीज़ आती है घर में तो पहले ठाकुर जी का भोग ही लगता है। तो यहाँ मैंने कृष्णा को दे दिया है, वो ले जा रहा है नीचे, और यहाँ ये देख रहा था कि तुम वीडियो तो नहीं बना रही हो, उसको पता नहीं था, हंस रहा था। फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से खाने की तैयारी करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया आज समर स्पेशल पूरा दिन ही चलेगा, तो अभी मैं बना रही हूँ राजमा चावल, और बस राजमा चावल ही बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आज किसी का वो भी नहीं था, मन भी नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने राजमा के लिए चढ़ा दिया है तेल कढ़ाई में, और इधर मैं कर रही हूँ चावल साथ के साथ में, तो चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ मैं इनसे कुछ बात कर रही थी, तो क्या था कि जैसे इन्होंने खरबूज काटा था ना, तो अपनी होशियारी दिखा रहे थे, कह रहे थे कि ये साथ के साथ बीज को धो दूँगा मैं। मैं इनसे कह रही थी कि नहीं धुलेंगे साथ के साथ बीज, कम से कम एक दो दिन तो पड़े रहने दो, जब वो गल जाता है उसका जो छिलका हो वैसा होता है ना, गूदा जो होता है, तभी वो छूट पाते हैं बीज से, लेकिन नहीं वो मान ही रहे थे। तो मैं इनसे कह रही थी कि भाई नहीं, इन्होंने कोशिश खूब कर ली लेकिन नहीं छूटे, तो मैंने कहा इनको छोड़ो मैं पानी में डाल देती हूँ तब जाके होगा। तो बस वही, उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल में डाला है जीरा, उसके बाद डाला है मैंने प्याज, और यहाँ पे ये कृष्णा किसी के साथ आया था, शायद फ्री आया था पता नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट था, तो वो मैंने डाल दिया है, मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ मार्केट का, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद मैं मसाले को भूनने दूंगी, और यहाँ पे मैं देख रही थी कि धनिया पाउडर जो है हो गया है ख़त्म, तो वो भी खाली कर लेती हूँ। चावल मैंने चढ़ा ही दिए हैं, और आज सच बताऊँ ना मुझे पूरा दिन हो गया था, सुबह से लेके आज रात तक मेरी ये मतलब बनी है रेल कि मैं थक गई आज बुरी तरीके से, सुबह से बस खाने में ही खाने में ही खाने में। और करेले भी बनाए हैं, आज ही बनाए थे वो, जो कि अभी कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो करेले में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और बनते भी बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं, आप ये है कि 15 से 20 दिन तक आराम से रख सकते हो, और इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चा भी जो है नहीं खाता होगा ना तो वो भी खाने लगेगा, इतने टेस्टी बनते हैं, नाम के कड़वे भी नहीं होते। तो यहाँ पे बस मैंने ये देखो मेरी क्या हुआ, मैं पसीना पोंछ रही थी तो मेरी जो बाली है ना वो गिर गई, और ये बाली मेरी कई बार गिरी है, कई बार, फिर मैंने एक आग खाल के उसको उतार ही दिया, इसीलिए मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मिले ना, कि छोटी चीज़ है। तो वो अभी तो ये थी कि साड़ी में उलझ गई थी तो वो हो गई थी। तो अब यहाँ पे राघव की फरमाइश थी कि मैं मैंगो खाऊंगा, तो उसको मैं मैंगो काट के दे रही हूँ। और इधर मैंने मसाले डाले थे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और फिर बाद में डाल दिया था टमाटर प्याज भुनने के बाद, उसको देख के आई हूँ मैं जब तक आम। और यहाँ पे जब मसाला अच्छे से पक गया था, भुन गया था, उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें राजमा उबला हुआ। बस राजमे की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं दिखाया है। और अब इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें पानी, जितना भी आप रखना चाहें। तो बस हमारे यहाँ पर राजमा तैयार हो जाएंगे। और अभी मैं सब्ज़ी आपको दिखा रही थी ना, सब्ज़ी काफ़ी सारी ये लेके आए थे, तो मैंने फ्रिज में उनको सेट कर दिया। ये भिंडी है, तो भिंडी को मैं धो के रखूँगी, क्योंकि भिंडी क्या है जब बनाते हैं ना तो बहुत टाइम हो जाता है धुलने में, फिर उनको पोंछो सुखाओ अच्छे से, पानी ना हो, तो इसलिए मैं इसको पहले धो के रखूँगी, और ये अच्छे से निचुड़ जाएंगी ना, पानी इनका सूख जाएगा, फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी इनको। तो यही कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने बनाई है यहाँ पर चटनी, तो जो धनिए के डंठल होते हैं ना मैं उसको कभी नहीं फेंकती हूँ, तो डंठल की मैं चटनी बनाऊँगी। यहाँ पर डंठल ले लिए मैंने धनिए के,
क्योंकि सब्जी में मैं पत्ती पत्ती यूज़ करती हूँ, आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से की चटनी में हमेशा बनाती हूँ। तो हरी मिर्ची डाल दी है, टमाटर डाल दिया है और थोड़ी सी हींग, थोड़ा काला नमक, और उसके बाद डालूँगी यहाँ पर थोड़ी सी आइस और जीरा डाल दिया है। बर्फ़ से क्या होता है ना, इसका कलर जो है वो ऐसे ही रहता है एज इट इज़, अच्छा रहता है। तो मैंने थोड़े से बर्फ़ के क्यूब डाल दिए हैं, और ये क्यूब आप देख रहे हैं मेरे नई प्लेस के हैं, तो जो कि मेरे राघव को इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि वो उसमें इस वाले में ना फ्रिज में अच्छे से बर्फ़ भी नहीं जमती क्योंकि पुराना हो गया है इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं चटनी पीस लेती हूँ, और चटनी हमारी पिस चुकी है उसके। तो चलिए अब लगा लेते हैं हम प्लेट। तो यहाँ पे देखिए चावल, प्याज, नींबू, खीरा, और इसका सैलेड है, गाजर का चटनी है, और राजमा है। राजमा के ऊपर आप प्याज डालते हो ना बारीक कटी हुई, या फिर रिंग रिंग में कटी हुई पतली पतली, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है लंच, समर स्पेशल, बहुत ही मतलब देखिए सिंपल सिंपल सा चावल है, चटनी है, सैलेड है, और ये है राजमा, नींबू। नींबू नींबू क्यों, नींबू के नाम पे घबरा जाता है हमारा राघव, लो हाफ भाई कर लो। तो यहाँ मैंने इनको दे दिया है खाना, और बाकी मम्मी पापा गए तो पहले ही खा लिया था क्योंकि ये बाद में आए थे। अब इनके बाद अब मैं खाऊंगी, और मेरे बच्चे भी खाएंगे क्योंकि दोनों को मेरे साथ ही खाएंगे, राजमा चावल दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ आज वीडियो का मैं करूंगी एंड यहीं पे, और अगला पार्ट जो आएगा वो कल आएगा, करेले वगैरह की रेसिपी आपको कल मिलेगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।